अच्छा लास्ट पार्ट में मैंने एक एग्ज़ैम्पल दी थी आपको आ, कुछ नॉन रिकॉर्डिंग एजिस की जो फनल जब बनाते हैं तो उसका क्या प्रिंसिपल है तो मैंने चूँकि एग्जाम्पल जो है उसमें कोई बेहतर तरीके से लिखा नहीं उसको जो है ना बनाया नहीं सही तरीके से और सही तरीके से उसको उसको शायद एक्सप्लेन भी नहीं किया तो मुझे इत, मेरा ख्याल है कि मैं इसको एक एग्ज़ेम्पल आपको और दे दूँ ताकि ये चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए बिकॉज मिड मिड ये वाले आपके एग्ज़ाम के अंदर मैं इससे एक सवाल जो है एक दो तो सवाल जो है अगर एम से हुए तो मैं लास्ट में इसमें से दूंगा तो थोड़ा सा जो है इसको स्टडी करें कि होता क्या है मैंने पहले बताया था कि जी नॉन कोई भी जो ऐसा बर्तन जिसका जो है डाया आठ इंच का हो और ऊपर से खुला हुआ हो वो बेसिकली जो है ना वो एक रेन गेज बन सकता है ठीक है मसला क्या होता है मैं ये सारे मिटा देता हूँ ये वाले जो नीचे हैं ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से आपको जो है वो आ, इसको मिटाता नहीं हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल वन वा, है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे जाके इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे अच्छा अब होता क्या है इसमें कि कई दफ़ा जब आपकी जो डेप्थ है रेन रेनफॉल की चूँकि मिलीमीटर्स के अंदर होती है आपने हमेशा टीवी के अंदर भी और वैसे भी लाइफ में कभी भी जब रेनफॉल की डेप्थ आपने के बारे में कहीं पर भी आप तजिया कोई सुना होगा कोई बात सुनी होगी तो वो हमेशा मिलीमीटर्स के अंदर होगी यानी कि आज बारिश फलान जगह पर इतने मिलीमीटर हुई है फलां जगह पर इतने मिलीमीटर हुई है ये अपने मूवन जो है ना और जो जब महमे मौसम क्या की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं टी के अंदर वेदर बुलेटिन दे रहे होते हैं तो उसके अंदर यही जो है ना बताते हैं आपको अच्छा अब होता क्या है कि चूँकि डेप्थ जो है बहुत जब थोड़ी हो किसी भी इवेंट की इस मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है ठीक है अगर ये फ़नल जो है ना मैं हटा दूँ यहाँ से कि कहूँ कि जी ये फ़नल जो है ना यहाँ पे अज्यूम करें कि फ़नल नहीं है सिंपल एक बर्तन है जिसकी जो है ना वो विथ जो है वो आठ इंच है टॉप से इसके अंदर बारिश गिरती रहे ठीक है दो मिलीमीटर की डेप्थ बनी है पानी की अब दो मिलीमीटर की डेप्थ को फाइंड करना <coughs> ये बहुत मुश्किल काम है दो तो मिली मीटर की डेप्थ के लिए फिर हमारे पास जो स्केल्स हैं जो हमारे हम उमूम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं उनके अंदर भी सेंटीमीटर में जो है ना आप कर सकते हो मिलीमीटर के अंदर उसके अंदर भी डेप्थ आप फाइंड नहीं कर सकते तो हम फिर करते क्या हम करते ये हैं कि इसी बर्तन को जो है ना हम साइडों से बंद करके ठीक है सिर्फ़ एक जगह ऐसी बना देते ताकि टॉप उसका आठ फ्री आठ इंच ही रहे ठीक है ना पानी जो है जो बारिश का पानी है वो क्या होगा कि बारिश का पानी जो है वो उसी तरीके से जो है ना गिरता रहेगा बारिश के जो कतरे हैं पानी के उसी तरीके से जो है ना वो गिरेंगे इसके ऊपर ठीक है ना लेकिन वो क्या होगा कि जगह जो है ना वो क्या होगी कि यहाँ पे बंद होने की वजह से पानी जो है सारे का सारा फनल होगा इन दिस फनल ठीक है अब वो क्या है कि वही पानी रेनफॉल की इवेंट जो कि दो इंच की जिसकी डेप्थ बनी थी अब चुके आपने इसकी वर्थ को कम कर दिया है कितना कम कर दिया है प्रिंसिपल ये है नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस का कि आपने इस फनल का जो एरिया है ना वो पहले वाले एरिया का वन टेंथ हो यानी कि आपने इसकी विर्थ को दस गुना कम कर दिया पहले साठ मिली लीटर थी मिलीमीटर थी इसकी विर्थ अब वो आपने दस गुना कम कर करके सिक्स मिली लीटर कर दिया ठीक है जब सिक्सटी मिली लीटर मिली मीटर इसकी जो है ना वो फिट थी तो Uh, जब विथ उसकी ए, मैं विदाउट uh, फनल बात करता हूँ विदाउट फनल जो है उसकी पहले विथ कितनी थी वाला वो विथ थी जी इक्वल टू साठ मिलीलीटर, और डेप्थ कितनी आई उसके अंदर दो मिलीमीटर mm. ठीक है ना तो वाटर का एरिया कितना बना उस उस वाले केस में एरिया इर, क्या होता है विथ इनटू डेप्थ वो कितना हो जाएगा 120 मिलीमीटर mm. क्लियर हो गई ये वाली बात इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है अच्छा विद फल अब इस विद फनल क्या होना विद फनल ठीक है ना जी विद फनल क्या होना है था आपने कितनी उसकी रखी हुई है सिक्स मिलीमीटर ठीक है अच्छा अब डेप्थ जो है इसमें क्या हो जाएगी डेप्थ जो इसमें इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ना कितनी है हमें नहीं पता फिलहाल लेकिन एरिया ऑफ वाटर जो है ना हमें ये पता है कि चूंकि पहले वाला जितना पानी है उतना ही पानी अब है तो पानी का एरिया तो सेम रहेगा यही वाला पानी है ना जो इसके अंदर आया है ठीक है तो एरिया तो सेम रहेगा वो कितना है जी एक सौ बीस किलोमीटर स्के ठीक है तो अब इस केस में हम हमने क्या किया वाटर का एरिया जो है ना मगर इस केस में लिखेंगे एरिया वाटर तो डेट विल बी इक्वल टू विथ इन टू डेप्थ ठीक है ना तो एरिया ऑफ वाटर का कितना आ गया एक सौ बीस आ गया विथ का हमें पता है कितना है, जी सिक्स है और डेप्थ का हमें अभी अंदाज़ा नहीं है तो डेप्थ हमने यहाँ से फाइंड की तो कितनी आ गई है डेप्थ जी आप वाले केस में कितनी आ गई है एक सौ बीस ओवर छः ये कितना हो गया ये बीस मिलीमीटर mm आ गई। यानी कि जो पहले डेप्थ विदाउट फनल दो मिलीमीटर शो हो रही थी ये दो 2 मीटर थी अब वो इस वाले केस में कितनी हो जाएगी वो इस वाले केस में डेप्थ जो है जो हमारे पास ज़्यादा होगी ना डेप्थ जो है वो अब हमारे पास इस वाले केस में वो डेप्थ जो है वो क्या होनी है वो ज़्यादा हो जाएगी कितनी ज़्यादा हो जाएगी ये वाला मैं यहाँ पर करना लिखना चाह रहा हूँ डेप्थ जो है ना अब कितनी होगी ये हो गया बीस मिलीमीटर mm. अब बीस मिलीमीटर mm जो है वो मेजर करना आसान है ठीक है बीस मिलीमीटर mm की डेप्थ जो है ना वो मेजर करना स्केल के साथ जो है वो आसान है लेकिन ये जो बीस मिलीमीटर mm की डेप्थ इसके अंदर शो हो रही है चूंकि आपने इसका एरिया दस गुना कम किया है तो जो इसके अंदर डेप्थ दस गुना बढ़ी है आपने उसको दोबारा एक्चुअल रेनफॉल जो डेप्थ है वो निकालने के लिए जितनी फनल के अंदर डेप्थ आई है आपने उसको हमेशा टेन से डिवाइड करना है समझ हो इस बात को यानी कि कितनी मिलीमीटर जो है ना डेप्थ आ रही है फनल के अंदर आपने स्केल से फाइंड की बीस मिलीमीटर आ रही है आपने बीस मिलीमीटर जो अपने पास हासिल करदा डेप्थ है आप हमेशा उसको टेन से डिवाइड कर देना ये है जी एक्चुअल रेनफॉल डेप्थ जो कि फनल के बगैर और हम एक्चुअल जो रेनफॉल डेप्थ कहते ही वो हैं जो कि इस बर्तन में बगैर फनल के हो क्लियर होगी ये वाली बात तो अब जब भी आपसे कोई बंदा बोले कि नॉन रिकॉर्डिंग गेज के अंदर मैं लिख दू यहाँ पे अगर कोई बंदा आपसे बोले इंटरव्यू के अंदर कि इन नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज ठीक है इन नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज आपकी डेप्थ जो है ना वो है इक्वल टू पंद्रह मिलीमीटर ठीक है आपका पहला सवाल जो है ना वो उस पूछने वाले से ये होना है कि क्या ये फनल डेप्थ है या ये नॉन फनल डेप्थ है ठीक है वो कहता है कि ये नॉन फनल डेप्थ है तो आपने बोलना है कि इसका मतलब है कि रेनफॉल की जो है ना वो डेप्थ कितनी है पंद्रह मिलीमीटर? है और अगर वो कहता है कि नहीं ये फनल डेप्थ है तो आपने फ़ौरन से पहले बोल देना अच्छा फनल डेप्थ है तो फिर एक्चुअल रेनफॉल डेप्थ जो है ना वो कितनी है पंद्रह डिडेड बाय दस वो है इक्वल टू वन पॉइंट फाइव मिलीमीटर क्लियर हो गई बात और ये कौन सी डेप्थ है, है नॉन तो फनल होती, होती है लेकिन आप नॉन फनल डेप्थ क्यों फाइंड नहीं करते है? क्योंकि वो इतनी कम होती है कि उसको एक्चुअल स्केल से फाइंड करना बहुत मुश्किल होती है तो हम फिर बीच में फनल लाख देते हैं और उस फनल का, का काम क्या होता है कि उसने टोटल एरिया जितना था पहले वाला इसका उसको दस गुना कम कर दिया ठीक है तो दस गुना कम करने से इसकी डेप्थ दस गुना बढ़ जाती है एक्चुअल डेप्थ से देप, एक्चुअल डेप्थ से जो डेप्थ है फनल के अंदर वो दस गुना बढ़ जाती है तो आपको फिर एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए फनल के अंदर आई डेप्थ को दस से डिवाइड करना पड़ता है क्लियर है ये वाली बात तो ये था उसकी थोड़ी सी ना एक एग्जाम्पल नंबर टू आई होप कि ये क्लियर हो कर देगी आपको जो कन्फ्यूजन थी पहले लेकिन अगर फिर भी ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम रिकॉर्डिंग जो रेन केजेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे सो so, स्टेटमेंट